तो मैं खुद कहना चाहूंगी कि हमारी इस भाग दौड़ की जिंदगी में हमें चाहिए कि हम कुछ क्षण अपने लिए निकालें जो कि नहीं निकाल पाते हैं। तो हर महिलाओं से यही अनुरोध है, स्पेशली मेरे अपने आप से भी, कि मैं भी अपने आप को कुछ समय दूं जिससे योग, जो कि मैं योग में व्यतीत करूं, और क्षण जैसे आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, कम से कम आधा घंटा टाइम निकालिए आप अपने आप के लिए भी, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, तभी देश स्वस्थ रहेगा। तो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, तो इसलिए मैं सारी महिलाओं से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने आप को पहले स्वस्थ रखिए, पहले हम हैं, फिर बाद कोई हमारे परिवार या बच्चे जो भी हैं, तो हमारे बाद ही वो हैं। तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर वो कैसे स्वस्थ रहेंगे। योग दिवस की धूम मची है और आज दुनिया के लगभग 191 देश योग दिवस को मना रहे हैं, और इसके साथ ही अगर इस्लामिक देशों की मैं बात करूं तो दुनिया के लगभग 47 देश भी आज योग दिवस को मना रहे हैं। भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, और इस समय हम स्थित है गाजीपुर के वीरों की धरती, युवराजपुर के गांव, और इस समय इंग्लिश मीडियम के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, और युवा से लेके यहाँ पे बच्चों ने जो योग दिवस किया, गाजीपुर जनपद के लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर पेश की। मैं अपने YouTube चैनल से इन बच्चों का, इन टीचरों का, और जो भी प्रिंसिपल हैं, वह जो भी यहाँ के और भी स्टाफ हैं, मेरे चैनल में योग दिवस के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। नमस्कार, मैं प्रधानाध्यापक के रूप में आज हमारे विद्यालय पे राष्ट्र, पूरा विश्व 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार जब इस योग दिवस को 21 जून को शुरू किया गया था, तो तब से लेकर अब तक पूरा विश्व जो है इस योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा करके मना रहा है। सबसे पहले आज कहते हैं कि सूर्य जब निकलता है तो फिजी और न्यूजीलैंड जैसे देश ने बहुत पहले ही योगा कर लिया आज जो है, और हम भी, हमारा विद्यालय, हमारे स्टाफ, हमारे बच्चे, गाँव के गणमान्य लोग जो है आज यहाँ उपस्थित होकर के और इस योग के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और अपना योगदान दिए। कहते हैं ना कि करो योग रहो निरोग, तो इस योग को जो है, अगर आपको बिना दवा, बिना उसके रहना है, स्वस्थ रहना है, तो नित्य प्रतिदिन आप योगा करते रहें, यही हमारी जो है सबसे ये कामना है, और भारत सरकार चाहे पूरे विश्व पटल पर योग गुरुओं का भी यही कहना है। योग की अगर मैं बात करूँ, अनुशासित के साथ साथ मनोदशा से लेकर शांत चित्त आपका मन रहता है, और दुनिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जब इसे पटल पे भारत के प्रधानमंत्री लेकर आए थे, तो सबसे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री ने इसे हाथों हाथ लिया, उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड से लेके यूरोपीय देशों ने इसे हाथों हाथ लिया, और भी यहाँ पे लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। योग दिवस की हम बात करते हैं, योग दिवस पे जो भी आज लोग देख रहे हैं, आप उन्हें क्या बताएं? योग दिवस पे सभी व्यक्तियों को योग करना चाहिए, और योग के साथ साथ आदमी निरोग होता है। और गुणगान चारों ओर भारत का हो रहा है, यंग है, आप बच्चों को करवा भी रहे थे सर, और साथ में पूरी टीम या फिर सर लोग भी थे, क्या कहेंगे आप पंकज, जो लोग आज देख रहे हैं, योग करना है, फिट रहना है? सबसे पहले तो योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देशवासियों को। मैं युवाओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप दिनचर्या में ही रखिए, सुबह 1 घंटे का बहुत समय मायने नहीं रखता है, जिसे आप लोग सुबह जगिए 1 घंटे के लिए, और बच्चों को भी सिखाइए और अपने घर के बुजुर्गों को भी थोड़ा समय दीजिए योग करने के लिए। योग से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। कर पा रहा हूँ, जब मैंने BSC सर से बात की, और भी जो वाला अधिकारी हैं, लोग 21 जून को मनाते हैं फिर भूल जाते हैं, ऐसा ना हो कि आप कागज पे करें दिखाएं, रोज अगर आप इसे एक एक आप दैनिक मापदंड का हिस्सा माने तो बच्चों का विकास भी होगा। हाँ, जरूरी नहीं समय ना हो आपके पास, कुछ ही मिनट हो, सेकेंड हो, जरूर करें। होता है विद्यालय में, ग्राउंड में तो उम्मीद हम नहीं दे पाते समय जो, क्योंकि कभी धूप हो जाती है, हालात कभी अच्छे नहीं रहते, लेकिन क्लासेस वगैरह में बच्चों के हिसाब से मैं प्रतिदिन बात नहीं कर रहा, जो पूरे भारत के लोग जी 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 मैं चाहूंगा कि वो कम से कम 15 मिनट, बहुत घंटों योग करने की जरूरत नहीं है, 15 मिनट आप समय दें, अधिकतम 15 मिनट, 15 मिनट बहुत कुछ नहीं होता है, 3-4 स्टेप्स वगैरह जो भी हैं, प्राणायाम कर लें, भ्रामरी कर लें, और अनुलोम विलोम कर लें, ये 4-5 जो है जरूर कर लें जो है,
क्योंकि इसमें बहुत समय नहीं लगता है। महिलाएं खास तौर से महिलाएं जो है केवल सेवाओं में लगी रह जाती हैं परिवार के, तो उनके लिए तो खास तौर से जरूरी है कि वो योग करें जो है। अब महिलाओं की इन्होंने बात की और कुछ अध्यापिकाएं भी हैं। दोस्तों, मैंने पहली बार अश्विता नेमा का इंटरव्यू लिया था। गिनीज बुक रिकॉर्ड धारी, 5 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी हैं। जब मैं वाराणसी गया था, योग की सर ने बात की, आप खुद महिला हैं जो इस समय महिलाएं देख रही हैं, योग जीवन में कितना जरूरी है और आप इसे अपनाएं और जीवन का एक ऐसा हिस्सा बनाएं कि आप लगातार इससे आपकी मनोदशा से लेके एक हर एक मनोविकार दूर होते हैं। हाँ, हमारे भागदौड़ की जिंदगी है और जैसे कि महिलाओं को जानते हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्हीं को निभानी पड़ती है, तो मैं खुद कहना चाहूंगी कि हमारी इस भागदौड़ की जिंदगी में हमें चाहिए कि हम कुछ क्षण अपने लिए निकालें जो कि नहीं निकाल पाते हैं। तो हर महिलाओं से यही अनुरोध है, स्पेशली मेरे अपने आप से भी, कि मैं भी अपने आप को कुछ समय दूं जिससे योग, जो कि मैं योग में व्यतीत करूं और जिससे सब लोग, सारी महिलाएं और मेरा भी स्वास्थ्य ठीक रहे। हाँ, जो महिलाएं आज देख रही हैं, मैं आपसे यही जानूंगा, लोग कहती हैं कि नहीं मेरे पास समय मिल नहीं पाता, घर में बहुत सारे कार्य होते हैं और इससे हम योग कर नहीं पाते, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? उनके लिए यही, स्पेशली जो महिलाएं इस तरह करती हैं, एक्चुअली मैं भी उसी में की हूँ, और लेकिन चाहिए हमें कुछ क्षण, जैसे आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, कम से कम आधा घंटा टाइम निकालिए आप अपने आप के लिए भी, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो मेरे वीडियो को जरूर देखें। यहाँ से मैं युवराजपुर से ये वीडियो ला रहा हूँ और मैं स्कूल की बात नहीं करता, कॉलेजों की बात नहीं करता, योग है और आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया आप लोगों ने, और ज़रूर इससे दैनिक दिनचर्या में आपको शामिल करना ही पड़ेगा। सर, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, सबको धन्यवाद।